हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आए दिन हम लोग पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए यूपीआई का या फिर फोन बैंकिंग का या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बट कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में भूलवश हमें जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे भेजना होता है, उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ना भेज करके किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे भेज देते हैं। यानी कि अकाउंट नंबर एक दो अक्षर गलत हो जाता है, जिस वजह से हमारा पैसा गलत पर्सन के अकाउंट में चला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग 2000, 5000, कोई 1 लाख 2 लाख पैसे भेजते हैं किसी के अकाउंट में, और वो पैसा मेन व्यक्ति के अकाउंट में ना जाकर के किसी गलत व्यक्ति के खाते में चला जाता है। तो काफी सारे लोग सोचने लगते हैं, अब क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा, मेरा पैसा वापस आएगा या फिर डूब जाएगा, हम अपने पैसे को निकाल पाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, बहुत सारे मन में बातें आने लगती हैं, सवाल आ जाता है। तो दोस्त, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। चाहे आपका पैसा आपके ही बैंक के किसी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, तो उस अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर करवाएंगे, इसकी रिगार्डिंग भी जानकारी दूंगा। और अगर आपका पैसा किसी दूसरे बैंक के कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, क्रेडिट हो गया है, तो उस कंडीशन में आप अपना पैसा कैसे वापस लाएंगे, इसकी रिगार्डिंग भी जानकारी दूंगा। ठीक है, सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपका डूबा हुआ पैसा यानी कि दूसरे के अकाउंट में गया हुआ पैसा 100% गारंटी लेता हूं वापस आएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, गारंटी है 110%। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट बहुत ज्यादा करता है, और YouTube भी इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक प्रमोट करेगी, शेयर करेगी। सो प्लीज, एक लाइक तो आपका बनता है। ओके, बात करते हैं मेन पॉइंट की। देखिए, जाने अनजाने में हमसे भूलवश कुछ मिस्टेक की वजह से, यानी कि हम अकाउंट नंबर में एक दो अक्षर गलत डाल देते हैं, उस वजह से हमारा पैसा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता जिस व्यक्ति को हम भेजना चाहते हैं, यानी कि गलत व्यक्ति के हाथ हमारा पैसा लग जाता है, गलत व्यक्ति के अननोन पर्सन के अकाउंट में हमारा पैसा क्रेडिट हो जाता है। अब वो पैसा 2000, 4000, 10000, 20000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आखिर में पैसा तो पैसा होता है, मेहनत का कमाया हुआ किसी का भी पैसा होता है। तो भाई, बहुत ज्यादा टेंशनाइज्ड हो जाते हैं बहुत सारे लोग, सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे करें, क्या करें, पैसा वापस आएगा भी या डूब जाएगा। ठीक है, तो दोस्त, अभी मैं आपको दो प्रोसेस बताने वाला हूं, वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप, अगर आपका खाता और उस व्यक्ति का खाता, ठीक है, दोनों का ही अकाउंट एक ही ब्रांच में हो, जैसे कि मान लो मेरा खाता SBI में है, और मैंने जिसके अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं गलती से, उसका भी अकाउंट SBI में ही है, उसी अकाउंट में है, सेम ब्रांच में है, तो उस कंडीशन में आप अपना पैसा वापस कैसे लोगे? सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आप पैसे भेज दिए हो और आपको पता चल चुका है तुरंत कि मेरा पैसा जो है वो गलत अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ठीक है, अगर आपको तुरंत पता चल जाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा देर के बाद पता चलता है तो आप क्या करोगे? तो भाई, आपको दोनों ही सिचुएशन में सबसे पहले आपको अपना ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपके होम ब्रांच जो है वहां पर जाना पड़ेगा, और वहां पर आपको एप्लीकेशन देना होगा। देखिए, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉलो करना पड़ेगा यार, तभी आप अपना पैसा वापस ला पाओगे। ठीक है, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहां पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में कि सर, मैं जिस अकाउंट में पैसे भेज रहा था उस अकाउंट पर पैसे ना जाकर के बाय मिस्टेक हमसे मिस्टेक हो गई अकाउंट नंबर डालने में, उस वजह से हमारा जो पैसा है मेन अकाउंट में ना जाकर के किसी अननोन पर्सन के अकाउंट में चला गया है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको लिखना है, गलती से पैसा चला गया है, मैं उस पैसे को वापस लेना चाहता हूँ। ओके, ये सारा आपको टाइप करना होगा, और सबसे बड़ी बात, आप जब भी UPI के माध्यम से या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, फोन बैंकिंग के माध्यम से किसी भी तरीके से पैसे ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहां पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है। जैसे कि आप देखिए स्क्रीनशॉट, यहां पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिख रही होगी, तो ये ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको उस एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वहां के जो मैनेजर हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी के जरिए ये कंफर्म पता कर सके कि आपका पैसा किस अकाउंट में गया है। ओके, तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन करके और उस एप्लीकेशन को जमा कर देना है।
अब यहाँ पर आपके जो बैंक के मैनेजर हैं या फिर जो भी हैं वो क्या प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले ये बता देता हूँ। ये वो क्या करेंगे, एक्चुअली इसमें आपको मैक्सिमम 7 डेज का टाइम लग सकता है, ठीक है। वैसे तो 1-2 दिन में ही या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करें तो 7 डेज लग सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपके बैंक मैनेजर उस ट्रांजेक्शन आईडी के जरिए उस कस्टमर का नाम पता करेंगे, उसका मोबाइल नंबर पता करेंगे, उसकी जीमेल आईडी पता करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है और आपको वो कुछ देंगे भी नहीं कि भाई इस कस्टमर का ये मोबाइल नंबर है, इस कस्टमर का ये ईमेल आईडी है, कुछ भी नहीं करेंगे। बस वो जो प्रोसेस करेंगे आपके बैंक के मैनेजर करेंगे, तो वो उस जीमेल आईडी पर उस पर्सन को, उस कस्टमर को ईमेल करेंगे और वहां से फोन नंबर वगैरह ऊपर करेंगे और उस नंबर पर कॉल करके उस कस्टमर को बोलेंगे कि सर आपके अकाउंट पर किसी व्यक्ति का पैसा चला गया है गलती से, जबकि उनसे आपका कोई लेन देन नहीं है, कोई आपका उनसे संबंध नहीं है, या फिर आपने उसका बकाया या फिर आपका बकाया उसने नहीं रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ करके बैंक मैनेजर उनसे बात करेंगे आप उनका पैसा रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले कस्टमर को फोन करके इस तरीके से मैनेजर पूछेंगे, ठीक है। अगर वो कस्टमर, अगला कस्टमर ये बोल दे सही तरीके से, वो स्वीकार कर ले कि वाकई में मेरे अकाउंट पर पैसा आया है और गलत व्यक्ति का आया है, यानी कि अनजान व्यक्ति का आया है, आप पैसे को रिटर्न कर दीजिए, तो वो बैंक मैनेजर आपका पैसा तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि लगभग 24 या फिर 48 आवर्स का टाइम लग सकता है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम 7 डेज मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर अगला बंदा जिसके अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो गया है, अगर वो स्वीकार नहीं करता है या फिर वो बोलता है कि मेरा पैसा ही आया है, मैंने उसको पैसे दिए हुए थे, मेरा उधार लिए हुए था या फिर बिजनेस पार्टनर था अगला बंदा, इसीलिए उस बंदे ने मेरे अकाउंट पर पैसे भेज दिए हैं और अब बोलता है कि भाई गलत पैसा चला गया, अगर वो अस्वीकार कर देता है, पैसा भेजना नहीं चाहता है आपके अकाउंट पर, तो क्या करोगे, ठीक है, तो क्या आप करोगे, तो भाई यहाँ पर बैंक मैनेजर आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। तब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, क्या आपको पुलिस चौकी या फिर अपना पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जी हाँ, पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहां पर जो जो आपने एप्लीकेशन दिया है अपने बैंक में, ठीक है, उस एप्लीकेशन का आपको एक फोटो कॉपी करवा लेना है, ओके, और मोहर साइन वगैरह अपने बैंक मैनेजर से उस पर करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेम हूबहू उसी तरीके से आपको एप्लीकेशन लिख करके डालना होगा, कहाँ, पुलिस स्टेशन में, यानी कि FIR करवाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर भी यही मेंशन करना है कि सर मेरा पैसा इस व्यक्ति के अकाउंट में गलती से चला गया है UPI के माध्यम से या फिर फोन बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, जबकि मैं इस पर्सन को जानता तक नहीं हूं और इस पर्सन से मेरा कोई संबंध भी नहीं है, कोई लेन देन भी नहीं है, उसके बावजूद ही पैसा चला गया है, लेकिन ये बंदा पैसा देना नहीं चाहता, मेरा रिटर्न पैसा करना नहीं चाहता है, तो पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले FIR करेगी, ठीक है। उसके बाद वो आपको वहां पर एक रिसीविंग देगी, पेज देगी FIR का, ठीक है, और उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, ठीक है, कार्रवाई करेगी। और वहां पर कार्रवाई करने के दौरान अगर वो बंदा फिर से वही सेम बात पुलिस के सामने भी बोलता है कि सर ये मेरा ही पैसा है, इससे मेरा लेन देन था या फिर बिजनेस पार्टनर था, मेरा कर्ज लिया हुआ था, इसलिए पैसे भेजा है, तो भाई इतना कहने से उस बंदे का काम नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर आपको मेरे साथ संबंध है, ठीक है, संबंध है, अच्छी बात है, लेकिन पैसे का भी संबंध बताना जरूरी है वहां पर, ठीक है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा, पुलिस के सामने साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा इस वजह से मेरे अकाउंट में आया है और ये मेरा पैसा है वाकई में, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो बंदा प्रूफ कर देता है तब तो वो आपका पैसा है, लेकिन प्रूफ करेगा कैसे, क्योंकि गलती से आपका पैसा उसके अकाउंट में चला गया, तो भाई प्रूफ करने की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है। और जब वो प्रूफ ही नहीं कर पाएगा, साबित ही नहीं कर पाएगा, तो भाई आपका पैसा पुलिस क्या करेगी, 100% आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगी, 100%। अगर वो नहीं मानता है इसके बावजूद भी, यानी कि पुलिस की कार्रवाई करने के बावजूद भी नहीं मानता है, तो पुलिस उस पर जुर्माना भी करेगी प्लस में सजा भी देगी, ठीक है, 1-2 साल का उनको सजा भी मिल सकता है और जुर्माना भी, दोगुना पैसा आपको पे करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको उस बंदे ने काफी ज्यादा भटकाया है, ठीक है, परेशान किया है आपके पैसों के लिए, पैसा तो आपका ही था लेकिन परेशान आपको ही किया, तो भाई उसको जुर्माना पे करना पड़ सकता है, एक ये प्रोसेस है। ये रहा सेम ब्रांच की बात, अगर सेम ब्रांच में आपका पैसा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो अगर आपका अकाउंट SBI में है और जिस बंदे के अकाउंट में आपका पैसा चला गया गलती से, उसका अकाउंट HDFC में है, यूनियन बैंक में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी अदर ब्रांच में है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर आपको पता चला कि आपका पैसा गलत अकाउंट में क्रेडिट हो गया है तो भाई इसका भी एक प्रोसेस है। जब भी आपको पता लगे कि मेरा पैसा जो है किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में चला गया है, तो आप तुरंत के तुरंत
अपने ब्रांच में जाइए, ऐसा नहीं कि आप दूसरे के ब्रांच में जाइए, आप खुद के ब्रांच में जाइए, ठीक है। और उनको फिर से वही सेम प्रोसेस कीजिए, एप्लीकेशन फिलअप करके दीजिए कि मेरा जो पैसा है वो किसी अदर अकाउंट में चला गया गलती से, अनजाने में, ठीक है, मिस्टेक हो गया हमसे, अब मैं उस पैसे को वापस लेना चाहता हूँ, और ट्रांजेक्शन आईडी भी आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि भाई आप कुछ वेट कर लीजिए, यानी कि ये सारा प्रोसेस करने में लगभग मैक्सिमम 15 दिन लग सकते हैं, इसलिए आप लोग वेट कर लीजिए। जब आप एप्लीकेशन वहां पर डाल दोगे, उसके बाद वो आपका जो बैंक मैनेजर है वो क्या करेंगे कि उस कस्टमर को, यानी कि उस बैंक को फोन करेंगे जिस बैंक में आपका पैसा क्रेडिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले उस बैंक मैनेजर को फोन करेंगे और उनको बोलेंगे कि सर मेरे कस्टमर का जो पैसा है आपके बैंक में किसी कस्टमर के अकाउंट में चला गया है और ट्रांजेक्शन आईडी ये है, ठीक है, तो आप कृपया करके उस पैसे को मेरे अकाउंट में क्रेडिट करवा दीजिए। ये आपके बैंक मैनेजर वाले बोलेंगे दूसरे बैंक मैनेजर को। तो वो क्या करेंगे, दूसरे जो बैंक मैनेजर हैं जिसके अकाउंट में आपका पैसा गया है वो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका पैसा चला गया और आप SBI के हो, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर क्या करेंगे कि उस ट्रांजेक्शन आईडी के जरिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे, उसका जीमेल आईडी पता करेंगे, मोबाइल नंबर ऊपर करेंगे उस कस्टमर का, ठीक है, उसके बाद उनको फोन करेंगे और उनको बोलेंगे कि आपके अकाउंट में गलत तरीके से पैसा जाने अनजाने में चला गया है, आप उस पैसे को रिटर्न कर दीजिए, क्या आप रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो कस्टमर तैयार हो जाता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो आपका पैसा तुरंत के तुरंत 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा वाले मैनेजर आपका पैसा SBI में भेजेंगे और SBI वाले मैनेजर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, आपका पैसा वापस 100% आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगला बंदा जिसके अकाउंट में पैसा चला गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और वो पर्सन यानी कि वो कस्टमर स्वीकार नहीं करता है, यहाँ पे पैसा देने में बहुत ज्यादा झमेला करता है, यानी कि पैसा देना नहीं चाहता, वो बोलता है कि मेरा ही पैसा है, मेरा ही पैसा आया है, ये मेरा ही पैसा है, तो भाई फिर से आपको वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको पुलिस स्टेशन में FIR करना पड़ेगा, पुलिस उस पेशेंट सॉरी उस कस्टमर पर कार्रवाई करेगी, ठीक है, और उसके बाद कार्रवाई करेगी और उनको साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा ही पैसा है। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा 110% आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसमें हो सकता है 1 महीने का भी टाइम लग जाए इस प्रोसेस को करने में, ठीक है, लेकिन पैसा आपका 100% वापस आएगा, ओके। उसके बाद दूसरी बात, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मान लो मैंने किसी के अकाउंट में गलत मतलब मिस बाय मिस्टेक पैसे डाल दिए हैं, क्रेडिट कर दिए हैं, और वो बंदा उस पैसे को निकाल लेता है और कहीं यूज कर लेता है, तो उस कंडीशन में मेरा पैसा क्या होगा, आएगा या डूब जाएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, उस कंडीशन में भी आपका पैसा आ जाएगा, डूबेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपने पुलिस स्टेशन में FIR करवाया है और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, और पुलिस के सामने अगर वो साबित नहीं कर पाता, साबित तो नहीं करेगा क्योंकि वो उनका पैसा है ही नहीं, तो भाई प्रूफ कैसे करेगा, ठीक है। तो अगला बंदा आपके पैसे को लेकर के वो प्रूफ नहीं कर पाता है कि मेरा पैसा मेरा ही है मेरे अकाउंट में, तो भाई अगर उसने अपने अकाउंट से आपका पैसा निकाल भी लिया है, समाप्त भी कर लिया है, खर्च भी कर दिया है, तो उनको बैंक की तरफ से एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि भाई आपको इतने दिनों में इस कस्टमर का पैसा रिटर्न करना होगा। अगर उस ड्यू डेट को अगर आप रिटर्न नहीं कर पाते हो तो उसके बाद पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी, आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है पैसा रिटर्न करने के लिए। अगर आपके अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में, अनजान अकाउंट में पैसा चला जाता है गलती से भूलवश, तो इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पैसा 100% वापस आएगा, डूबेगा नहीं, 100% वापस आएगा, ओके। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में दूसरे खाते से हम अपने खाते में पैसे को कैसे मंगाएं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैं आपको कई बार बोलता हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, मैसेज छोड़िए, वो भी स्क्रीन शॉट के साथ, व्हाट्सएप नंबर नीचे में आपको मिल जाएगा, प्लीज आप लोग वहां पर जाकर के मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आज बस।